हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 147 मींस 147 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 147 में कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये आपको निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड। तो जो स्क्वायर रूट जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो जो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर उसका हम यदि स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें यदि इस पता करना है कि यह नंबर यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 147 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहां लिख लेंगे वी हैव, तो 147 करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट 7 से डिवाइड करिए पहले, तो 7 टू जा 14, 7 जा 7, 7 थ्री जा 21, 3 बन जा सॉरी 3 से ले जाएंगे यहाँ पर 3 बन जा 3। मतलब कि यहाँ पर मिल गया सिंस, हमें लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस सो मिल गया हमें 147 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 7 का पेयर बन जा रहा है लेकिन 3 का पेयर नहीं बना। तो एक बात याद रखिए, जब भी किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स का पेयर नहीं बनता है तो समझ जाइए कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना हुआ है। तो इसे पूछा है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो केवल ये 3 ही तो नंबर है, वो 3 वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियरली आपका जो पहला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लियरली 3 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो ये आपका तीसरा जो है ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। तो हम लिख लेंगे सो 147 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और ये हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब आप देख सकते हैं कि पेयर बन चुका है, पेयर बन चुका है दोनों का, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम इसको देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। 3 7 जा 21 का 1, 2 का रिवर 3, 4 जा 12 एंड 2 14 का 4, 1 का रिवर 3 4 441 आएगा और इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। लेकिन अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट भी, सो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441। अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ बोला है सो ऑब्टेंड, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस मच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 441। और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करने के बाद पेयर से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ बना हुआ है तो एक 3 निकलेगा, उसके बाद एक 7 निकलेगा, तो 3 7 21 आएगा। 21 इज योर सेकेंड आंसर एंड 21 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 441। ओके, तो होप के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।